देखिए पिछले क्लास में हमने क्या देखा था कि अगर नॉर्मल प्लेन पर वहां सर्कुलर पाथ आ गया तो कितनी वेलोसिटी देंगे कि वो पाथ को कंप्लीट करेगा। तो अगर हम रूट अंडर 2gr वेलोसिटी रहता है उसके ग्राउंड लेवल पर तो क्या रहता है 90 डिग्री तक ऊपर जाता है, फिर वो वापस वहां से क्या हो जाता है नीचे की तरफ आ जाता है वहां पर। और रूट अंडर 4gr रहेगा तो क्या होगा वेलोसिटी तो उसकी टॉप मोस्ट पोजिशन पर जीरो होने की रहेगी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा बीच रास्ते में उसका क्या हो जाएगा नॉर्मल जीरो हो जाएगा। 131 nearly equal to 131 degree angle पर उसकी velocity क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा projectile path को follow करते हुए नीचे की तरफ आ जाएगा। root under 5gr पर क्या होगा वो complete circular path को cover करेगा, topmost position पर उसकी normal reaction क्या होगी जीरो और उसकी velocity होगी root under gr हो जाएगी, ठीक है। यानी हम बोल सकते हैं कि जब यू की जो व्यू जो रहेगा अगर यू जो है रूट अंडर 5 रूट अंडर 2gr से ज्यादा रहेगा, रूट अंडर 2gr से ज्यादा रहेगा यू और कम रहेगा रूट अंडर 5gr से, रूट अंडर 2gr से ज्यादा रहेगा रूट अंडर 5gr से क्या रहेगा कम रहेगा तो क्या होगा कम रहेगा तो क्या होगा बीच में यानी 90 से 180 डिग्री के बीच में कहीं वो अपने सरफेस को लीव कर देगी और वहां से प्रोजेक्टाइल मोशन बनाते हुए नीचे की तरफ आ जाएगी। तो लाइन लिखिए ये लिखिएगा सर और ये लिखवा दिया यस सर प्ले मैम नाइन रिपीट करना है एट रूट अंडर यू जो है वही रूट अंडर 5gr टू रूट अंडर 2gr का रेंज है। बॉडी बॉडी विल लीव द ट्रैक दैट इज n इज इक्वल टू 0 समवेयर बिटवीन पॉइंट कहां गया आपको somewhere body will leave the track, body will leave the track body will leave the track bracket mein ke n is equal to 0 comma somewhere between point b and c somewhere between point B and C ठीक है। somewhere between point B and C यानी जहां पर नॉर्मल जीरो हो गया वहीं पर वो सरफेस को क्या करेगा छोड़ देगा प्रोजेक्टाइल मोशन करके प्रोजेक्टाइल मोशन करके। लेकिन अब नेक्स्ट देखते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इनसाइड अ ट्यूब किसी ट्यूब के अंदर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ अ बॉडी वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी इनसाइड अ ट्यूब ठीक है। समझ में आ रहा है ट्यूब बना हुआ सर्कुलर ही है अब नहीं उतना एक्चुअल गोल नहीं हो पा रहा है सर्कुलर ट्यूब है ठीक है। सर्कुलर ट्यूब तो वही अब आपसे बात किया गया है इसमें कितनी वेलोसिटी कहां पर है किसी भी पॉइंट यहां से जो है किसी भी एंगल थीटा पर अगर यहां से कोई भी बॉडी को हमने यहां पर यू वेलोसिटी देकर के थ्रो किया
एट एनी एंगल थीटा जो इसकी जो वेलोसिटी रहेगी, वेलोसिटी ऑफ बॉडी एट एनी एंगल थीटा, अगर हमने इसे देख करके भेजा है, व्यू वेलोसिटी देख करके देखा है, तो किसी भी पॉइंट के ऊपर जो इसकी वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी? यानी मान लो एट एनी एंगल थीटा, अगर ये थीटा एंगल बना रहा है, वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, एट एनी एंगल थीटा क्या हो जाएगा? बी इज द रेडियस पर अंडर रूट का अंडर जीरो स्क्वायर माइनस, अगर ये रेडियस r है तो क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? किसी भी पॉइंट पर किसी भी एंगल थीटा को करने से क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो होगा क्या, जब नॉर्मली अगर हम रूट अंडर फाइव जी आर वेलोसिटी देंगे तो ये घूम कर क्या जाएगा? सर घूम हो जाएगा सर्कुलर, लेकिन एट रूट अंडर फोर जी आर जब हम इसे वेलोसिटी देंगे, इफ यू इज इक्वल टू रूट अंडर फोर जी आर, अगर ये वेलोसिटी रूट अंडर फोर जी आर होगा तो क्या होगा? तो क्या ये सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर पाएगा? नहीं। हाँ, सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा क्योंकि नीचे गिर जाएगा। हाँ, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये देखो यहाँ पर इस एंगल पर ये जो एंगल जो है आपका मान लो 131 डिग्री एंगल पर, यहाँ पर क्या होगा, पहले तो ये ब्लॉक यहाँ पर था, ऐसे करके जा रहा था, लेकिन जब ऐसे जैसे इसका नॉर्मल जीरो होगा, अब ये ब्लॉक क्या हो जाएगा, किस डायरेक्शन में आ जाएगा इस एंगल के ऊपर, और लेकिन इसका वेलोसिटी तो अभी जीरो हुआ नहीं है, वेलोसिटी जीरो कहाँ पर होगा, जब ये यहाँ पर पहुंच गया, और जब ये टॉप मोस्ट पोजिशन पर पहुंच गया तो फिर क्या मतलब, फिर तो आराम से नीचे गिर जाएगा। समझ में आ रहा है? yes. तो ये इस कंडीशन में वेलोसिटी कितना है, रूट अंडर फोर जी आर पर सर्कुलर मोशन क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? सर कैसे होगा? जैसे कि देखो यहाँ पर पहुंचा, नॉर्मल जीरो हो गया, जो घिरना चाहेगा तो सरफेस पर आ जाएगा। yes. आया, लेकिन अभी तो इसके पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी कहाँ जीरो होने वाला है, यहाँ पर जीरो होने वाला है, तो जब ये टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंच गया, तो जब यहाँ पर पहुंच गया तो फिर वो अपने आप थोड़ा सा आगे, अब यहाँ से आगे बढ़ने के लिए इसको वेलोसिटी की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो इंक्लाइंड है, जब सबसे ऊपर पोजीशन पर पहुंच गया तो अपने आप नीचे गिरेगा, फिर ये नीचे गिर जाएगा, ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट कर लेगा। दो सर्फेस के बीच में सर, ये टॉप मोस्ट पे वेलोसिटी जीरो होगी, तो सर नीचे कैसे? नहीं वो तो थोड़ा सा, वो तो लिमिटेड कंडीशन हम लेकर के चल रहे हैं, लिमिटेड। देखो टॉप मोस्ट पोजीशन पर अगर ये खड़ी है, अगर इसको थोड़ा सा भी स्लाइड कर दिए तो नीचे गिरेगी या नहीं गिरेगी? तो वही कहानी है कि हमको यहाँ तक पहुंचना है, यहाँ के बाद अपने आप नीचे आ जाएगी। सपोर्ट रखा होगा कि इस पाथ को फॉलो करेगी। देखो इतना जब अपना जो टारगेट रहता है यहाँ तक पहुंचाने का, अपने पास इसका कुछ मोमेंटम तो आ गया होगा ना। इसके पास कुछ अपना मोमेंटम आ गया, ठीक है, उस समय बाउंड्री कंडीशन तक पहुंचा देना, एक लिमिट तक पहुंचा देना, वहां तक पहुंचने के बाद क्योंकि हम लिमिट फ्रिक्शन में भी जहां पर देखें तो हम एक लिमिट पर बात कर रहे थे, ठीक है, यहां तक चलिए। आगे की अगर ट्यूब है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ट्यूब में हो रहा है, तो सर्कुलर मोशन को कंप्लीट करने के लिए कितनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी? मिनिमम रूट अंडर फोर जी आर में हो जाएगा। चलिए ठीक, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। सिंपल पेंडुलम ऑसिलेट्स इन अ वर्टिकल प्लेन व्हेन इट पासेस थ्रू द when it passes through the mean position, when it passes through the mean position, mean position, comma, tension in a string is 3 times the weight of ball.
थ्री टाइम्स द वेट ऑफ बॉब, वेट ऑफ बॉब आने की एमजी, टेंशन इन स्ट्रिंग इज थ्री टाइम्स द वेट ऑफ बॉब कॉमा कॉमा व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग, व्हाट इज द मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ स्ट्रिंग फ्रॉम वर्टिकल ड्यूरिंग ऑसिलेशंस, ड्यूरिंग ऑसिलेशंस जो लॉट हुआ है सर लेंथ तो दे रखी है ना इसकी, हाँ एलजी तो सर 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 ठीक है निकालने के बाद में इनटू ये नहीं पता ये तो आपको उससे देखना पड़ेगा सर लेंथ सी अल वर्टिकल और पास लेंथ एल लेंथ के साथ जो का कह रहा है दिया नहीं अगर तुम जो क्वेश्चन में जरूरत पड़ रहा उसको ले लो फाइनली वो कैंसिल आउट हो जाएगा समझे नहीं दे रखी है तुम क्या पता हमें क्या पता नहीं दे रखा डायग्राम तो आपको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन एक्स होम नहीं दिया हुआ सोचिए अभी सर सर यू के टाइम पर आ जाएगा देखो हाँ तीन बार पढ़ो कम से कम चलिए सॉल्व करें तो लोगो को बनाना पता है इधर लोगो ये सब जो बनाता है वो सो है वो आप आना वो ऐसे पहले अपने आप सर सर आर बराबर 3 5g माइनस u स्क्वायर बाय 3g
चलो देखो इधर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो इधर उतना टिपिकल नहीं है जितना क्षितिज कुछ हो रहा है। सर मैक्सिमम एंगुलर डिफरेंस है वही तो मैं यहां पर वेलोसिटी 0 हूं। हां यस सर यस सर तो निकाल लो यू निकाल लिया सर एंगल 5 3 cos थीटा थीटा भी तो नहीं गिवन तो इतना कुछ क्वेश्चन आ गया क्या बोल रहा है। देखो क्या बोल रहा है मीन पोजीशन के ऊपर टेंशन ठीक है तो ऑसिलेशन हो रहा है ये रहा ठीक है ठीक है ये मीन पोजीशन ये ऑसिलेट कर रहा है ठीक है ये थीटा हो गया इधर पर थीटा मान ठीक है मीन पोजीशन पर तो यहाँ पर बोल रहा है टेंशन कितना होगा। मान लो कि यहाँ पर वेलोसिटी क्या है फी यहाँ के वेलोसिटी यू मान लो ठीक है या नीचे की तरफ कितना लग रहा है एम जी और ऊपर की तरफ टेंशन क्या लग रहा है टी और इसका लेंथ अगर हम एल लेते हैं तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा यू स्क्वायर पर एल। कोई प्रॉब्लम तो यहाँ टेंशन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम इन टू यू स्क्वायर पर एल। कोई प्रॉब्लम ठीक है टेंशन क्या बोल रहा है 3 times ऑफ इट्स वेट ए है ना तो क्या जगह जब टेंशन को हम लिखते हैं 3 times ऑफ इट्स वेट यानी 3 mg माइनस ऑफ एम जी इज इक्वल टू एम यू स्क्वायर बाय एल तो यू इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर रूट जी एल। यू की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा यू इज इक्वल टू रूट अंडर रूट जी एल। अभी कहां पर क्या जीरो होना है फिर तो बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा या जो यू आ गया रूट अंडर टू जी एल आ गया बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा। इसका एम्पलीट्यूड सर वो होगा 90 degrees इसको नोट करो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम थीटा एंगल पे ले रहे हैं थीटा एंगल आपको दिया के जब मीन पोजीशन से हो रहा है जिस पोजीशन का है उसी को जैसे जिस पोजीशन के अबाउट आगे पीछे जो मोशन होता है वही मीन पोजीशन कहलाता है ठीक है। और कुछ नहीं ज्यादा डिटेल के लिए फैसिलिटी अवेलेबल है लेकिन नहीं बताऊंगा कंफ्यूज कर जाऊंगा मीन पोजीशन ही तो डिस्क्राइब किया हूं मैं तो कुछ चलो कुछ एंगल के बाद 3 mg मान लेते हैं क्या कुछ एंगल के डिफ्लेक्शन के बाद हम 3 mg मान लेते हैं तो गलत नहीं कैसे क्योंकि गलत वो डायरेक्टली बोल दिया मीन पोजीशन आने मीन पोजीशन इसका यही पैसे को कर दिया नहीं तो मीन पोजीशन नहीं है ना वो मीन पोजीशन नहीं है सीधे नहीं मान सकते मीन पोजीशन एंड ऑसिलेशंस और रेफरेंस मार्क हम को जरूर हम टेंशन जीरो करते हैं तो हम हाई लिखते हैं ना कुछ को और वैसे वेलोसिटी जीरो रखते हैं ना अल्फा अल्फा लेते हैं वेलोसिटी नहीं टेंशन पर हम अल्फा ले रहे हैं वेलोसिटी जीरो को फाई लिए टेंशन जीरो को अरे कुछ भी हमें समझ में आना चाहिए कि है क्या जिसको फाई लेना है फाई लो अल्फा लेना अल्फा ये समझ में आना चाहिए कि वो है क्या ना देखिए ये बकेट बकेट यानी कि बाल्टी टाइड एट द एंड ऑफ एन ई एंड डी एंड ऑफ ए 1.6 meter long a bucket tied at the A bucket tied at the end of a 1.6 meter long rod
is wheeled, is is wheeled, w h I r l e d, wheeled, i r l e d, wheeled मतलब गोल गोल मारा, ठीक है, wheeled in a vertical circle, in a vertical circle, in a vertical circle with constant speed. With constant speed, full stop. What should be the minimum speed? What should be the minimum speed so that water from the bucket does not spill, spill. Spill मतलब बाहर निकलना, बता रहा हूँ, कॉमा कॉमा. When the bucket is at the highest position, when the bucket is at the highest position, when the bucket is at the highest position, देखो आप लोग ऐसे बचपन में देखे होंगे कि एक पानी भर कर तो उसको ऐसे 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 घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते होंगे तो पानी नीचे नहीं गिरता, वो तो एक जादू हो गया. तो आज चलो उस जादू को आप बेसिक कर देते, तो एक क्यों कि कितना मिनिमम कितने स्पीड से हम घुमाएं कि उससे जो है पानी बाहर नहीं निकले. चलिए कीजिए, सॉल्व कीजिए, दिमाग लगाइए, फोर्स को थोड़ा बैलेंस करने का कोशिश कीजिए. जब फोर्स बैलेंस हो जाएगा तो हो जाएगा. दो मिनट का टाइम है. देखना पड़ेगा ना, कुछ नहीं है. कैसे कौन सा प्रोसेस क्या लगा ये बताओ सर. रोड वाला प्रोसेस, उसके जो राइट रोड आए थे उसमें मिनिमम यू अंडर 4 दिया होना चाहिए. कंप्रेसर वाला 4 आ रहा है. 4 क्या 4? वेरी गुड. कैसे लाया 4? चलिए जब ऊपर जाएगा तो इसके नीचे एमजी लगी. वेरी गुड. और इधर को तो आपकी एन यू स्क्वायर का एन लग रही है. हां सही है. ऊपर को जाएगा सबसे टॉप मोस्ट पोजीशन पर लगाना है. यस टॉप मोस्ट पोजीशन. कहां टॉप मोस्ट पोजीशन पर कहां है? टॉप मोस्ट पोजीशन में जब बकेट, ये बकेट जो चार गोल गोल घूमेगा यही पर टूट गया, ऐसे करके घूमेगा ना, यहां पर लगेगा ना. यस सर. तो कहां डायग्राम कहां बनाया? वैसे ही बना दिया पहले वाले डायग्राम में. अच्छा एडजस्ट कर दिए. वेरी गुड. सही 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 कॉन्सेप्ट.
देखो क्या बोल रहा है, पानी गिरेगा। अभी पानी गिरने के बाद ऐसा सोचिए कि ऐसे रुक जो थोड़ा सा, बैठ देखो बात ऐसे कि यहाँ पर है आपका हाथ है, यहाँ पर बकेट है, ठीक है, से इधर से पूरा ढह रहा था ना। हाँ ये था ही नहीं, इसको अगर आप खड़ा हो ना पीठ पे इधर पूरा ढह रहा। अच्छा मैं तो इसे अभी यहाँ से तो कितनी दिख रहा है, दिख रहा। अच्छा मैं तो पीठ को रहना मोटा भी नहीं हूँ मैं, वही तो ठीक ठाक ही है। अरे वो ऐसे खड़ा होता ना वहाँ पे स्वेटर लिए थोड़ा बैठ खड़ा रहा। अरे क्या करोगे, कोई नहीं, कल से मैं बोलता हूँ, कल से भी रिजोल्यूशन पास करता हूँ, मैं क्लास नहीं लूंगा, तो लूंगा नहीं लूंगा तो नहीं लूंगा, ठीक है। यहाँ से ये हो गए, ठीक है। अब क्या होता है कि गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, ठीक है। बोलता टॉप मोस्ट पोजिशन पर यहाँ पर आ गई पार्टी, ठीक है। बोल रहा है कि क्या होगा कि नीचे ना गिरे उसमें कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो मैं देख के आ रहा हूं। आपको मान लीजिए इसकी वेलोसिटी भी फ्री बॉडी डायग्राम यहां बनाता है, इधर mg हो गया और इधर पानी के ऊपर क्या लग रहा है बाहर की तरफ mg। नीचे नहीं गिरने का क्या कंडीशन है, नीचे नहीं गिरने का कंडीशन है कि mg स्क्वायर बाय r जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू mg रहना चाहिए मिनिमम। पानी के नो स्पिल कंडीशन ऑफ वाटर, कंडीशन ऑफ नो स्पिल, अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है नो स्पिल ऑफ वाटर, ठीक है। तो बोल रहा मिनिमम वेलोसिटी में यह सेम उठा दो, यहां v इज ग्रेटर इक्वल टू रूट अंडर r हो जाएगा, तो यहां से v मिनिमम कितना, r की वैल्यू गिवन है क्या 1.6 और g की वैल्यू 10 होता है मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड। चलो फटाफट रोक लीजिए, समझ में आया? यस सर। पानी पार्टी का पानी के मतलब पानी फ्लो में होगा, जब वहां पे पहुंचा था तो मिनिमम स्पीड वहां पर होगी, तो सर जैसे मतलब टॉप मोस्ट पर जो v बराबर rg होता है उससे डायरेक्ट से भी तो तो v इक्वल टू rg हम डायरेक्ट से, वो नहीं, वो अलग कांसेप्ट है, वो गलती से मिल गया तो थोड़ी ना कि वही सेम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें ये कंडीशन यहाँ पर निकालना था, हमने निकाला कि कब नहीं गिरेगा, कब नहीं गिरेगा, जब कोई आदमी तुमको नीचे भी खींच रहा है ऊपर भी खींच रहा है तो तुम कहा अस्थिर कब रहेगा, जब दोनों का फोर्स बराबर रहेगा। चलिए अब आगे देखते हैं, वर्टिकल सर्कुलर मोशन आउटसाइड अ सर्कुलर ट्रैक,
वर्टिकल सर्कुलर मोशन आउटसाइडर सर्कुलेटर है, ठीक है। रेडियस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इस तरीके से फाइंड करना। टॉपमोस्ट पोजीशन पर है, हमने यहाँ पर क्या किया, इसे यू वेलोसिटी दे दिया, ठीक। तो मान लो किसी एनी एंगल थीटा के ऊपर हम यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, भाई एम्पलीट्यूड का तो कोई केस नहीं, या तो आएगा फिर वो नीचे गिर जाएगा अलग हो, ठीक है। एट एनी एंगल थीटा यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करेंगे, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेलोसिटी है वो क्या है, वी एन। इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इस डायरेक्शन में एन होगा नॉर्मल, इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा एम जी। तो ये देखो थीटा है, थीटा एंगल थीटा होगा, इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा एम जी साइन थीटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी एट एनी एंगल थीटा, थोड़ा उधर ध्यान नीचे जाने का मतलब बता दीजिए। सर सेंटीमीटर कौन सी लगा हो, क्या सेंटीमीटर पर आज वो तो लगेगा ही ना, वी एम इसमें दिखाने बोल रहा है, वी स्क्वायर बाय सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का वेलोसिटी सर एम वी स्क्वायर है, अरे एक्सेलरेशन दिखाया है ना, तो वो सेंट वेलोसिटी एट एनी एंगल, एट एनी एंगल थीटा वेलोसिटी के लिए दिखाएंगे। तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का एनर्जी एट ए एंड इस पॉइंट का नाम बी दे दे, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन डायरेक्ट लिखते हैं, एनर्जी एट ए इज इक्वल टू एनर्जी एट बी। एनर्जी एट ए इसे हम ले लेते हैं रेफरेंस पॉइंट, हम रेफरेंस लाइन ले लें, यहां से रेफरेंस मेजरमेंट करेंगे, तो यहां पर क्या होगा हाफ एम टाइम्स एम स्क्वायर प्लस ये क्या हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक आर है, और ये वाला एंगल क्या ये लेंथ का अगर आर पास थीटा, तो क्या करेंगे एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा। कोई प्रॉब्लम, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया, तो क्या दिख नहीं रहा है ना नीचे, देखो यहाँ पर काइनेटिक ई के एक के ऊपर तो काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा हाफ एन यू स्क्वायर प्लस यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी एम जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू वहाँ पर वेलोसिटी क्या हो गया हाफ एन वी स्क्वायर। अब हमें क्या फाइंड करना है, यही तो फाइंड करना है, वी फाइंड करना है, तो लो एम को हटा ही दो, वी एम हटा दो, वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस टू जी आर इंटू वन माइनस कॉस थीटा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये कोई डेरिवेशन नहीं है, ये तो एज अ क्वेश्चन इलस्ट्रेशन से जो आप लोग खुद भी कर सकते थे इनमें कर देना, नॉर्मल एट एनी एंगल थीटा उसी की तरह हो गया at any angle theta normal, तो हम equation क्या लिखेंगे, equation लिखेंगे center की तरफ force लगा है mg cos theta minus of n is equal to mg square by r। कोई problem है, mg cos theta minus n is equal to mg square by r। अब हमें n की value find करनी पड़ेगी, n is equal to क्या हो गया mg cos theta minus of mg square by r। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। यहाँ पर v की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर के आएगा 3mg cos थीटा 3mg cos थीटा माइनस के 2 माइनस 3mg माइनस mg स्क्वायर आया 3mg cos थीटा माइनस में 2mg माइनस ऑफ mu स्क्वायर बाय r। सो mu स्क्वायर बाय r माइनस में माइनस mu स्क्वायर बाय r
उसमें प्लस में था तो उसमें प्लस में था इसमें माइनस में था ये आंसर हो गया। हां ठीक है इतना ध्यान में रखना आपको ठीक है। तो फिर आपको पूछना चाहिए नॉर्मल किस एंगल पर, देखो नॉर्मल कहां पर जीरो होगा तो नॉर्मल जो जीरो होगा वो किस पोजीशन के ऊपर जीरो होगा। यहां पर हम इक्वेट कर देंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं, डायरेक्ट रिजल्ट मैं लिखता हूं n = 0 at बीटा = अगर इसे बीटा लिखते हैं तो बीटा = हो जाएगा cos इनवर्स 2gr u स्क्वायर cos इनवर्स 2gr u स्क्वायर / 3gr। उसमें क्या कंडीशन था वहां पर 2gr - u स्क्वायर था। अब कहां से आंसर आया ये आप लोग खुद से लिख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, सारा प्रोसेस पता है। कल इसके ऊपर दो मिनट करवाऊंगा, एक दो मिनट में लिख क्वेश्चन ये कंप्लीट हो गया, सर्कुलर मोशन कंप्लीट हो गया ठीक है। अब देखिए सबसे पहले आपको कल क्या करना, सर्कुलर मोशन के 20 क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के जो आप लोग को दिए, आप पीडीएफ सेंड किया उसमें से 20 या 25 क्वेश्चन, मुझे पता नहीं 10-15 क्वेश्चन जितने भी होंगे सर्कुलर 17 में, वो सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए मिनिमम। और अभी जो अभी कोच आप देखो क्या है, जब हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो कम से कम 5 ऐसे दिन रहते हैं जो कोई प्रेशर नहीं रहता, तो तब तक आप लोग तब तक आप जो है सर्कुलर मोशन का एससी भी कंप्लीट कीजिए और सॉल्व करना है ठीक है। कोई बात नहीं, उसके कल को आते 17 क्वेश्चन जो उसी में से ना उसमें से एक के साथ कल खत्म करते हैं ठीक है। 17 क्वेश्चन फिर एक दिन टाइम देखकर तो वर्क पावर एनर्जी का भी क्षेत्र दो दिन में निकाल देंगे, एक दिन में 35 क्वेश्चन है भेजा था उसको देख लेते हैं। चलिए ठीक है वर्क एनर्जी पावर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। चलिए ठीक है आप लोग जो है लिफ्ट पर जाइएगा ठीक है, तो जगह नोट करने के बाद थैंक यू।